हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने वाली हूँ सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी कॉर्न चाट। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 बड़े साइज के कॉर्न। उसे मैंने इसे दाने अलग कर लिए हैं। यह आप इसे रमज़ान में ही बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई रख देंगे गैस पे गरम होने के लिए। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे सारे कॉर्न्स। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भर के चाट मसाला। मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड काली मिर्च और जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ऊपर नीचे अच्छे से। अब इसे हम ढककर पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। साथ ही मैंने 5 अच्छी हरी मिर्ची को काट करके रख लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन चिल्लीज जो मैंने कट कर रखा है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद मैंने इसे ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए और पकाया था लो फ्लेम पर। ये देखिए रेडी हो चुका है। इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं आप। इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब ये रेडी होगा सर्व करने के लिए, तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए रेडी हो गया हमारा कॉर्न चाट। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में और इवनिंग्स में भी आप बना सकते हैं इसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।